अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं, और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसको रीड करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन कोचेस ट्रेवलिंग अलॉन्ग 12 पॉपुलर सीनिक रूट्स आर। तो आपको इस क्वेश्चन में उन पैसेंजर्स की तादाद बताई जा रही है जो कि डिफरेंट कोचेज में हैं और वो ट्रेवल कर रहे हैं इस वजह से ताकि वो 12 पॉपुलर सीनिक रूट्स को देख पाएं। पॉपुलर का मतलब आप जानते ही हैं, मशहूर होना। सीनिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यू जो कि अच्छा दिखने वाला हो, ब्यूटीफुल व्यू को आप सीनिक कह सकते हैं। रूट्स का मतलब आप रास्ते भी ले सकते हैं, जगह भी ले सकते हैं समझने के लिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में उन पैसेंजर्स की तादाद आपको बताई गई है जो कि डिफरेंट कोचेस में मौजूद हैं, और वो इसलिए इन कोचेस में मौजूद है ताकि वो ट्रेवल करके देख पाएं इन 12 पॉपुलर सीनिक रूट्स को। अब आगे देखें, आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है। तो डाटा में सबसे पहली वैल्यू आप देखें लिखी हुई 29। तो 29 का मतलब है एक ऐसी कोच है जिसमें 29 पैसेंजर्स मौजूद हैं, और वो इस कोच में इसलिए मौजूद हैं ताकि वो 12 पॉपुलर सीनिक रूट्स को देख पाएं, और इसलिए वो इसमें ट्रेवल कर रहे हैं। आगे आप कॉमा के बाद देखिए लिखा हुआ 42। तो नेक्स्ट वैल्यू 42 का मतलब है एक और ऐसी कोच है, मतलब एक और डिफरेंट कोच है जिसमें 42 पैसेंजर्स मौजूद हैं, और ये पैसेंजर भी इस कोच में इसीलिए मौजूद हैं, इसीलिए ट्रेवल कर रहे हैं ताकि ये भी 12 पॉपुलर सीनिक रूट्स देख पाएं। इसी तरीके से आप सारे डाटा को पढ़ सकते हैं और आप देखें आपको लास्ट वैल्यू 40 नजर आएगी। तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके यहां पे लिखी गई हैं, ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स को शो कर रही हैं जो कि डिफरेंट कोचेज में मौजूद हैं और वो ट्रेवल कर रहे हैं ये पैसेंजर्स ताकि वो 12 पॉपुलर सीनिक रूट्स को देख पाएं। याद रखिएगा ये हर पैसेंजर डिफरेंट कोचेज में मौजूद है। आगे आप देखें लिखा हुआ है फाइंड द मीन नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन द कोचेज। तो आपने मीन निकालकर एक तरह का दिखाना है। किसका मीन निकालकर दिखाना है? इन पैसेंजर्स की तादाद का जो कि डिफरेंट कोचेस में मौजूद हैं। अब एक चीज आप याद रखिएगा, हमारे पास जो डाटा होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ डाटा को हम डिस्क्रीट डाटा बोल रहे होते हैं, कुछ को कॉन्टिन्यूस बोल रहे होते हैं, और इसी तरह हम ग्रुप अनग्रुप डाटा की भी बात कर रहे होते हैं। सारी चीजें अभी आगे आएंगी। तो आपने डाटा जरूर देखना आपके पास डाटा कैसा है। तो अगर आपके पास डाटा कुछ फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो जो कि इस तरह लिखी गई हो, इसको हम यूजुअली डिस्क्रीट डाटा भी बोल रहे होते हैं। तो इस तरह के केस में मीन निकालना सबसे आसान होता है। हमने कुछ वैल्यूज को सम करना होता है और टोटल जो डाटा होता है, टोटल नंबर ऑफ डाटा होता है, उन सम ऑफ वैल्यूज को उस पर्टिकुलर वैल्यू पर, टोटल नंबर ऑफ डाटा पर डिवाइड कर देना होता है ताकि हमें मीन पता चल जाए। एक बात तो ये आपने याद रखनी है। अब किसका सम करना है, किसको डिनोमिनेटर में लिखना है टोटल के तौर पर, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, मीन आपको बता क्या रहा होता है। तो मीन को आप एक तरह का एवरेज कह सकते हैं। तो मीन जब भी आप किसी डाटा का निकालते हैं तो आपको एक एवरेज पता चलती है, यानी आपको एक ऐसी वैल्यू पता चलती है जो आपके डाटा की कॉमन वैल्यू होती है, और इस कॉमन वैल्यू से आप अपने डाटा के ट्रेंड को भी समझ सकते हैं, उसमें भी आपके लिए आसानी बनती है। तो मीन को आप एक तरह का एवरेज के तौर पे समझ सकते हैं। अब मीन में जब निकालेंगे तो किन दो वैल्यूज का यूज करेंगे? एक तो वो वैल्यू होगी जिसका सम करना है। किसका सम करना है वो आपको क्वेश्चन ही पता चल जाएगा। देखें लिखा हुआ है फाइंड द मीन नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यानी ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स का आपने मीन निकालना है, तो इन्हीं वैल्यूज का सम करना है। अब नंबर ऑफ पैसेंजर्स कहां लिखे हैं, वो सारे के सारे ऊपर आपको लिख दिए गए हैं कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके। जितने भी वैल्यूज हैं ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स को शो कर रही हैं जो कि डिफरेंट कोचेस में मौजूद हैं। अब डिवाइड किससे करना है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। तो ये पैसेंजर्स किस में मौजूद हैं? ये पैसेंजर्स मौजूद हैं कोचेस में, और यहां पर भी आपको देखिए कहा गया है कि आपने मीन नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालने ऑन द कोचेस। तो कोचेस कितनी हैं, वो आपका टोटल नंबर ऑफ डाटा एक तरह का हो जाएगा। तो कोचेस की तादाद कैसे पता चलेगी? क्योंकि ये जो हर वैल्यू है ये किसी एक कोच की वैल्यू है। जैसे पहली वैल्यू 29 है, तो ये एक कोच ऐसी है जिसमें 29 पैसेंजर है। अगली वैल्यू 42 है, इसका मतलब कोई और ऐसी एक कोच है जिसमें 42 पैसेंजर है। तो अगर आप इन वैल्यूज को काउंट करें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपको पता चल जाता है कि 12 ऐसी कोचेस मौजूद हैं जिसमें ये अलग अलग पैसेंजर्स की तादाद मौजूद है जो कि ट्रेवल कर रहे हैं इन 12 ही पॉपुलर सीनिक रूट्स को देखने के लिए। तो यहां पे देखें ऊपर भी मेंशन है 12, यानी रूट्स भी आपके पास 12 ही हैं। तो जिनका मीन निकालना है उन वैल्यूज को सम करेंगे, और जो कोचेस की तादाद है वो टोटल के तौर पर आएंगी, ये आपने याद रखना है। तो अब इसका स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन को। पहले हम यहां पर डेटा लिख लें, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है वो क्या है, वो मैं यहां पे लिखूंगा। यहां पे हेडिंग डालता हूं नंबर ऑफ पैसेंजर्स।
ठीक है। अब मैं इसी जो डाटा मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है इसी को यहाँ पे लिखूंगा, तो वो मेरे पास क्या है कि किसी एक कोच में 29 है, किसी एक कोच में 42 है, किसी एक कोच में 45 है, ऊपर से मैं नोट डाउन कर रहा हूँ किसी एक कोच में 39 है, फिर इसी तरीके से 36, फिर 41, ये ऊपर से मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, फिर 38, फिर 37, फिर 43, फिर 35, और इधर कॉमा डाल के नीचे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जगह मेरे पास कम है, 32 और कॉमा डाल के 40। तो ये देखिए मैंने तमाम पैसेंजर्स की तादाद लिख ली। अब मुझे कोचिस भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कोचिस की तादाद कितनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ कोचिस, ठीक है। तो मेरे पास कोचेस कितनी है, तो वो मैं आपको ऊपर गिन के दिखा चुका हूँ, आप जस्ट इन्हीं वैल्यूज को काउंट कर लें, क्योंकि ये हर वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर कोच की वैल्यू है, तो अगर आप इन्हीं वैल्यूज को काउंट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बनती है 12, यानी नंबर ऑफ कोचेस कितनी होगी 12। अब मीन का फॉर्मूला आपने लिखना है, तो ये मीन का फॉर्मूला है, ये आप तब यूज करते हैं जब आपके पास इस तरह का डाटा मौजूद हो, ठीक है। तो ये आप बेसिकली मीन निकाल रहे हैं, मीन का मतलब इस केस में मीन नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालना है, तो आप यूं भी लिख सकते हैं मीन नंबर ऑफ पैसेंजर्स, मीन नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। तो क्या आपको मैंने जो है बताया है, मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया कि ऊपर आता है सम, सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो ऊपर आएगा आपके पास यहां पर सम ऑफ ऑल वैल्यूज, और यहां पर सम ऑफ ऑल वैल्यूज से मुराद है तमाम पैसेंजर जो डिफरेंट डिफरेंट कोचेस से मौजूद हैं, जिसकी जिसकी मैंने ऊपर डाटा भी लिखा है ऊपर सारा का सारा, इनको आपने सम करके लिखना है, और डिवाइड हमेशा आप करेंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ डाटा से, टोटल नंबर ऑफ डाटा, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ डाटा से क्या मुराद है, नंबर ऑफ कोचेस जो कि कितनी है 12। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज से यहां पर मुराद हो गया कि जो आपके पैसेंजर्स के ऊपर डाटा लिखा हुआ है इन सबको सम कर दें, तो यहां पर सम ऑफ ऑल पैसेंजर्स आपको करना पड़ेगा। ये एक तरह का फॉर्मूला भी है, और मैं आपको इस फॉर्मूले में हमारे केस में क्या मुराद है वो भी बता रहा हूं। तो अब आपने नंबर ऑफ पैसेंजर्स को सम कर देना है, तो यहां पर देखें 29 से मैं स्टार्ट करूंगा, तो मैं लिखूंगा 29 प्लस करता जाऊंगा 42 प्लस 45 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 37 प्लस 43 प्लस 35, आगे मैं इसको करता हूं तो ये आएगा प्लस 32 एंड 40 प्लस 32 और प्लस 40। तो देखिए मैंने तमाम पैसेंजर की वैल्यूज को सम कर दिया, इसी को हम बोलेंगे सम ऑफ ऑल वैल्यूज। अब डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डाटा से, टोटल नंबर ऑफ डाटा से मुराद है कि ये पैसेंजर्स कहां पे मौजूद थे, कोचेस में, तो वो कोचेस आपकी एक तरह के टोटल नंबर ऑफ डाटा है यहां पर, तो नंबर ऑफ कोचेस कितनी है वो है 12, तो आप नीचे जस्ट क्या लिख देंगे 12। तो देखिए ये मेरे पास एक फ्रैक्शन बन गई। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, आपने इन ऊपर वाली तमाम वैल्यूज को जो है सम कर देना है, और सम करके जो आंसर आएगा उसको 12 पे डिवाइड कर देना, वही आपका मीन होगा। तो आइए इसको सम कर देते हैं, तो जब आप इन तमाम वैल्यूज को सम करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 457, और नीचे जो आपके पास 12 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहां तक कर लिया, आप आगे हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम अपने फाइनल आंसर को लिख पाए, तो मैं डिवीजन भी आपको यहां पे करके दिखा देता हूं। आप यहां पे लिखेंगे 457 और इसको डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 12 के ऊपर, ठीक है। अब मैं पहले इन दो डिजिट्स को ले रहा हूं, तो 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या तो 45 आ जाए या तो 45 के पास पास आ जाए। तो आपको पता है अगर हम 12 को 3 टाइम्स करें तो 12 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 36। 4 टाइम्स करेंगे तो आपको पता है कि वो 45 से बड़ा नंबर आ जाएगा, उसको हम यहां पर नहीं लिख सकते। तो अब आपने क्या करना है, 45 में से जस्ट 36 को माइनस करना है, 45 माइनस 36 कितना होता है, वो होता है 9। अब आपने इस नेक्स्ट डिजिट को उतार लेना, तो नेक्स्ट डिजिट क्या है 7, तो 7 आ जाएगा नीचे। अब आपने देखना है कि 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि या तो 97 आ जाए या 97 के पास पास आ जाए। तो अगर आप देखें 12 8 टाइम्स करें तो 96 होता है, सबसे क्लोजेस्ट यही आता है, तो आप यहां पे लिखेंगे 96, यहां पे इनको भी माइनस करेंगे, 97 माइनस 96 कितना होता है, वो होता है 1। अब आपको फिर अगला डिजिट उतारना पड़ेगा, अगला डिजिट वहां पर मौजूद ही नहीं है, तो आप खुद से यहां पे भी डेसिमल लगा लें, ऊपर भी लगा लें, अभी फिलहाल यहां पर 10 लिख लें, आप 20 भी लिख सकते हैं, उनको आप स्टेप बाय स्टेप उतार भी सकते हैं। तो अभी मैं जस्ट 10 उतारूंगा, तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा ये एक तरह का 10। अब आप देखिए 10 अभी भी छोटा है, तो आप यूं भी कर सकते हैं कि आप पहले 12 0 टाइम्स कर लें ताकि यहां पे 0 हो जाए, और उसके बाद अगला डिजिट उतार लीजिएगा, यूं भी कर सकते हैं। और कभी कभार जब हम दो डिजिट एक वक्त में उतार रहे होते हैं, ऊपर खुद से 0 भी लिख देते हैं, ये मेथड भी यूज कर रहे होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर अभी मैं आपको इस तरह समझा दूं कि 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए या 10 के पास पास आ जाए, तो आपको पता है 12 तो बड़ा है 10 से, ऐसा तो नहीं हो सकता कि किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 के पास आए। तो एक ही तरीका है कि वो है 12 को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप 12 को 0 से करें तो 12 0 टाइम 0 होता है, वो 10 ही के सबसे पास बनता है, सबसे
छोटा बनता है, तो 10 माइनस 0 करेंगे तो फिर से क्या आएगा 10। अब आप फिर से अगला डिजिट इस तरह उतार लें, अब ये बन गया 100। अब आपने देखना है कि 12 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 100 के पास आए, तो अगेन आप 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 8 टाइम्स कितना होता है 96, अभी पहले भी बताया था, और यही सबसे क्लोज आएगा। 9 से करेंगे तो 100 से भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 100 माइनस 96 करें कितना आता है 4। और इसी तरीके से ये आप देखें सवाल आपका आगे चलता जाएगा, तो आप इसको आगे कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि मुझे जस्ट डेसिमल के बाद ये दो डिजिट चाहिए, इसलिए मैं यहां तक लिख रहा हूं, आप इससे आगे भी कर सकते हैं। तो मेरा इसका आंसर आया 38.08। अब बुक के अंदर इस आंसर को उन्होंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। कहां तक राउंड ऑफ किया हुआ है, एक तरह का आप कह लें, आप इसको यूं भी कह सकते हैं अराउंड वन डेसिमल प्लेस तक किया हुआ है, यूं भी कह सकते हैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक किया हुआ है। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद है, जैसे आप देखें यहां पे सबसे पहला डिजिट नॉन जीरो वो क्या है 3, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। ये क्या है 8, ये दूसरा कहलाता है। ये सारी चीजें मैं पिछले चैप्टर में समझा भी चुका हूं, स्टार्ट वाले चैप्टर में D1 की। तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, तीसरा डेसिमल के बाद क्या हो गया 0। तो यहां तक आंसर देना है राउंड ऑफ करके। तो जहां तक आपके डिजिट्स पूरे हो जाएं, जहां तक आपने आंसर देना, उसका नेक्स्ट डिजिट आप देखते हैं राइट पर। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट वाले डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं। जिस तरह यहां पर 8 है, ये 5 से बड़ा है, तो लास्ट डिजिट 0 इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 38.0+1 कितना होता है 1। तो ये आपने मेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकाल लिए जो कि इन कोचेस में मौजूद थे और वो इन पॉपुलर सीनिक रूट्स को देखने के लिए ट्रेवल कर रहे थे। तो उम्मीद है आपको ये तमाम जो है सोल्यूशन जो है समझ आया होगा। इसमें आपने फॉर्मूला याद रखना है, ये मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। इसी फॉर्मूले के अंदर आप अपने क्वेश्चन के मुताबिक डाटा को पुट करके आसानी से मीन निकाल सकेंगे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन के साथ।